चैप्टर ट्वेंटी सेवन स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एक्सरसाइज ट्वेंटी टू दाइन इक्वेशन आर दिस ऑल्सो रिड्यूज इक्वेशन ओबेन इन वैक्टर फॉर्म देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमें कार्टिशन इक्वेशन निकालनी है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है ना पॉइंट है और इस लाइन के पैरलर है ठीक है और उसके बाद यह कहता है कि उसकी वेक्टर फॉर्म भी निकालो तो देखो कैसे करेंगे पहले आ जाओ इन कार्टिशन फॉर्म इन कार्टिशन फॉर्म कार्टिशन फॉर्म लाइन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस जेड वन अपॉन सी अब देखो ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन ये पॉइंट होता है और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ये एक्स वन ये वाई वन ये जेड वन यहां वैल्यूज डालो x माइनस वन फिर y माइनस वाई वन वाई वन क्या होगा माइनस वन है और यहां माइनस पहले का है तो प्लस वन फिर z माइनस जेड वन जेड वन हो गया टू अब क्या रह गया ए बी सी अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर दो लाइंस पैरलर हो दो लाइंस क्या हो देखो ये यहां पे लिखा भी है ये लाइन इस लाइन के पैरलर है अगर दो लाइंस पैरलर हो तो उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है वन टू माइनस टू तो इसकी भी यही हो जाएगी वन टू और माइनस टू समझ आया अगर दो लाइंस पैरलर हो तो उन दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम होती है अगर इसकी डायरेक्शन रेशियो है वन टू माइनस टू तो इसकी भी हो जाएगी वन टू माइनस टू ए की वैल्यू ठीक है अब हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म अब आ जाओ वेक्टर फॉर्म ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी ना तो वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर ये होती है वेक्टर फॉर्म ये जो ए पॉइंट होता है ना ये ए पॉइंट होता है और बी पैरेलल वेक्टर होता है ए क्या होता है पॉइंट दो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट क्या वन माइनस वन टू आपने क्या करना है इनके ना आई जे के लगा देना है वन आई माइनस वन जे और टू के तो ये बनेगा वन आई आई होता है वन जे जे होता है और टू के प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर बी वेक्टर यहां पे पहलर वेक्टर होता है क्या होता है पहलर वेक्टर तो इस इस वेक्टर की देखो डायरेक्शन रेशियोस क्या है वन टू माइनस टू वन टू माइनस टू इसकी क्या है डायरेक्शन रीशोज तो यही हमारा बी वैक्टर होता है बी वैक्टर हो जाएगा वन आई टू जे माइनस टू के कैप तो ये बनेगा वन आई आई होता है टू जे माइनस टू के कैप ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट अब आ जाओ अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखो क्या दिया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस एंड ऑल्सो रिड्यूस इट टू वैक्टर फॉर्म सबसे पहले हमें क्या निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस ठीक है देखो एक चीज हमेशा याद रखो जो इक्वेशन होनी चाहिए ना वो इस फॉर्म में होनी चाहिए मतलब x माइनस एक्स वन क्या ये इस फॉर्म में है बिल्कुल नहीं है x माइनस एक्स वन की फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे इसमें से माइनस कॉमन निकालो देखो जब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे ये प्लस का हो जाएगा वो पहले लिख देते हैं और फोर पहले का प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा समझ आया स्टेप अगर नहीं समझ आया क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फोर ठीक है इक्वल टू इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं वाई माइनस जीरो सिक्स इस फॉर्म में बनाने के लिए वाई माइनस वाई वन वाई वन हो गया जीरो और अपॉन में सिक्स अब यहां पे z माइनस जेड वन है तो हमें माइनस फिर से कॉमन लेना पड़ेगा तो ये बनेगा z और ये प्लस वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा यहां तक आ गया अब ये बनेगा x माइनस फोर ये जो माइनस है ना इसको आपने नीचे ले आना है माइनस टू वाई माइनस जीरो अपॉन सिक्स ये माइनस नीचे ले आओ z माइनस वन अपॉन माइनस थ्री अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस ये जो डिनोमिनेटर में है ना इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी माइनस टू सिक्स माइनस थ्री ठीक है अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस वो आपने कैसे निकालनी है देखो ऊपर लिखना है मतलब एलेमेन निकालना है ये एलेमेन आपने पढ़ा हुआ है ना वो निकालना है तो आपने ऊपर लिखना है माइनस टू और नीचे इन तीनों का स्क्वायर कर देना माइनस टू का स्क्वायर फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ये हमारा एल निकल गया अब एम एम के लिए आपने क्या करना है ऊपर तो सेम लिखना है ऊपर लिखना है सिक्स और नीचे बिल्कुल सेम यही फोर थर्टी सिक्स प्लस नाइन और फिर ऊपर लिखना माइनस थ्री ये बोला माइनस थ्री और नीचे यही सेम फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस नाइन तो डायरेक्शन कोसाइंस आगी माइनस टू अपॉन इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का रूट सेवन होता है माइनस टू बाय सेवन ये बनेगा सिक्स बाय सेवन और ये बनेगा थ्री बाय सेवन ये आगी हमारी डायरेक्शन कोसाइंस अब इसने क्या बोला है अब इसने बोला है ऑल्सो रिड्यूस इट टू वैक्टर फॉर्म मतलब हमें इसकी वैक्टर फॉर्म निकालनी है वेक्टर फॉर्म होती है आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ठीक है अब ए वैक्टर देखो क्या होता है सुनना ध्यान से ना इसी को ए वेक्टर कहते हैं ये पॉइंट होता है ठीक है अब आप यहां से कंपेयर करो x माइनस एक्स वन एक्स वन कितना होगा फोर फिर देखो y माइनस वाई वन वाई वन कितना होगा जीरो फिर z माइनस जेड वन और जेड वन कितना होगा वन ठीक है अब आप इनके साथ आई जे के लगा दो फोर आई प्लस जीरो जीरो जे प्लस वन के प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर बी वेक्टर होगा जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये मतलब ए बी सी ए बी सी को कहते हैं बी वेक्टर मतलब ए आई प्लस बीजे प्लस सी के अब कंपेयर करो एबीसी क्या है यहां पर माइनस टू सिक्स माइनस थ्री तो ये बनेगा माइनस टू आई प्लस सिक्स जे माइनस थ्री के कै ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट इसको वन के को के लिख देना बाकी ठीक है सारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास द कार्टीशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड रिड्यूस इट टू वैक्टर फॉर्म देखो क्या कहता है हमारे पास कार्टीशन इक्वेशन दी है हमें क्या करना है डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है और वैक्टर फॉर्म निकालनी है ठीक है तो देखो कैसे करेंगे x इक्वल टू ए वाई प्लस बी बी को इधर लाओ एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी इक्वल टू ए वाई ए को इसके नीचे एक्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन z इक्वल टू सी वाई प्लस डी इसको हम पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हैं d को इधर लाओ z माइनस डी इक्वल टू सी वाई सी को इसके नीचे z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई अब देखो इन दोनों का y y सेम है है ना तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन ए इक्वल टू वाई और इसको मैं ये लिख रहा हूँ इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी समझ आए ये कैसे लिखा ये मैंने तीनों इक्वल कर दिए क्योंकि देखो ना ये इसके इक्वल है और वाई के इक्वल ये है तो मैंने वाई यही तो लिखा वाई के ये ठीक है इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसके नीचे वन लगा रहा हूँ और इसके नीचे जीरो लिख रहा हूँ समझ आ गई तो अब डायरेक्शन रेशोज क्या होती हैं ये जो अपॉन में दिए हैं ए वन सी डायरेक्शन रेशोज होगी ए वन सी अब हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म क्या होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर, है ना तो ए वेक्टर देखो क्या दिया हुआ है ये जो ये होता है ना ये ये ए वेक्टर होता है इसको पॉइंट कहते हैं ए वेक्टर यहां पे पॉइंट होता है तो वो बनेगा बी आई प्लस जीरो जे प्लस डी के प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर बी वैक्टर होता है पैरलर वैक्टर और ये डायरेक्शन रेशियोस पैरलर वैक्टर की है तो डायरेक्शन ये बनेगा इसके आई जे के लगा दो ए आई प्लस वन जे प्लस सी के अब बस लास्ट में इतना लिख देना वन जे को जे लिख देना बस आंसर आ जाएगा तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंप्लीट अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या दिया हुआ है फाइंड दैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन वैक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर दिस एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन होगी ये वाली ये ए वैक्टर दिया हुआ है ठीक है आगे पढ़ो एंड पैडल टू द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर दिस एंड दिस ऑल्सो फाइंड दर्टिशन इक्वेशन कार्टिशन इक्विलेंट ऑफ दिस इक्वेशन देखो क्या करना है हमारे पास वैक्टर फॉर्म होती है यह आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर तो ए वैक्टर है हमारे पास ए वैक्टर होता है पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है यहां लिखा भी है पॉइंट पॉइंट दिया हुआ आई माइनस टू जे माइनस थ्री के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वैक्टर बी वैक्टर होता है पैडलर वैक्टर वो लिखा भी है पैडलर वैक्टर दिया है। ये पैडलर वैक्टर है इसके ना एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं ये और ये ये मान लो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट तो ए पॉइंट है हमारे पास यहां लिखते हैं टू आई प्लस जे माइनस टू के कैप और बी पॉइंट है ये मैंने गलत लिख दिया ना मेरे को ये लिखना था यहां ना इसको हटाना पड़ेगा फिर दोबारा यहां लिखो ये बी पॉइंट था टू आई प्लस जे माइनस टू के कैप ए पॉइंट है आई माइनस जे प्लस फोर के कैप ठीक है अब हमें निकालना है बी वैक्टर क्या निकालना है ये वाला बी वैक्टर तो बी वैक्टर निकालने के लिए क्या करो देखो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट तो कैसे मिलेगा बी को ए से माइनस करना है है ना अगर हमें ए बी वैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बी को ए से माइनस करना पड़ेगा तो करो बी को ए से माइनस टू आई में से आई गया आई यहां लिखते जाओ आई जे में से माइनस करना है तो प्लस जे हो जाएगा टू जे और फिर टू माइनस टू के माइनस माइनस करना है तो माइनस सिक्स के तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स के ये आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म ठीक है अब हमें निकालनी है कार्टिशियन फॉर्म एक सेकंड यहां दोबारा चेक करो माइनस टू के माइनस माइनस सिक्स के ही होना चाहिए ना माइनस टू के माइनस फोर के एक सेकंड में आंसर देखता हूं इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन में माइनस टू के दिया हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए है ना तभी आंसर मैच होगा माइनस टू के फिर क्वेश्चन में थोड़ी चेंज कर लो हाँ क्वेश्चन में प्लस टू के ही है मैंने गलत उतारा हुआ है, ये प्लस है ये ठीक करना है ये प्लस है टू के में से फोर के के माइनस टू के ये आ गया माइनस टू के अब इसके बाद आ जाओ कार्टिशन फॉर्म कार्टिशन फॉर्म तो हम सारे क्वेश्चन में करा दी मैंने अभी तक ये होती है कार्टिशन फॉर्म x1 y1 z1 पॉइंट होता है ठीक है और एबीसी डायरेक्शन रेशियोज होती है पैलर वेक्टर की तो सबसे पहले x1 y1 z1 देखो क्या ये पॉइंट दिया हुआ है इस इस पॉइंट का देखो इसके साथ कॉफिशेंट है वन वन माइनस टू और माइनस थ्री ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन यहां लिखो एक्स वन वाई माइनस वाई वन वाई वन है माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा <coughs> जेड माइनस जेड वन जेड वन है माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा अब अचा एबीसी देखो एबीसी होता है पैरेलल वेक्टर और ये है पैरेलल वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होगी वन टू माइनस टू ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया वन टू और माइनस टू याद रखो एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट और सी डायरेक्शन रेशियो किसके पैरेलल वेक्टर के तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एंड एट ए पॉइंट ऑफ फाइव यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट पी वन 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 थ्री थ्री देखो क्या कहता है हमें क्या करना है पॉइंट निकालना है इस लाइन से इस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस फाइव है मान लो ये लाइन है कोई ठीक है ये पॉइंट पी ले लो वन थ्री थ्री और मान लो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है उस पॉइंट का नाम क्यू रख लो और उसके कोऑर्डिनेट्स रख लो एक्स वाई जेड ठीक है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइव यूनिट्स दिया हुआ है और हमें ये पॉइंट क्यों फाइंड करना है तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स प्लस टू अपॉन थ्री वाई प्लस वन अपॉन टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू इसको ना लैमडा के इक्वल पुट करो तो इसको और इसको कंपेयर करो सिर्फ इसको इसको देखो एक्स प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू लैमडा यही बनेगा ना तो थ्री इधर आएगा x प्लस टू इक्वल टू थ्री लेमडा और टू उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी थ्री लेमडा माइनस टू इसी तरह अब इसको और इसको कंपेयर करो सिर्फ इसको इसको ये इधर आएगा टू लैमडा और वन इधर आ जाएगा माइनस वन अब इसी तरह z निकालो इसको, इस, इसको 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 कंपेयर करो टू इधर आएगा टू लेमडा और थ्री इधर आ जाएगा मतलब ये पॉइंट मिल गया हमें क्या हुँ? ये क्यों पॉइंट हो गया एक्स वाई सेड लिया था ना थ्री लेमडा माइनस टू टू लेमडा माइनस वन टू लेमडा प्लस थ्री ठीक है अब देखो पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है फाइव यूनिट्स मैं यहां पे स्क्वेयरिंग कर रहा हूं क्यों क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मैंने यहां पे देखो मैं बता देता हूं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर z2 टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी pq का स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर अब आप pq निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो कैसे करेंगे आगे ये ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो क्या फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री लैमडा माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर फिर क्या वाई टू माइनस वाई वन वाई टू देखो क्या टू lambda माइनस वन और वाई वन है थ्री फिर है जेड टू माइनस जेड वन टू लेमडा प्लस थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी इसको लिखो थ्री लेमडा माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये ये और ये कैंसिल ये बनेगा टू लेमडा माइनस फोर का होल स्क्वायर और यहां क्या बचेगा टू लेमडा का स्क्वायर वो हो जाएगा फोर लेमडा का स्क्वायर अब यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर थ्री लेमडा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायेयर माइनस टू ए बी थ्री थ्री सा नाइन नाइन थ्री सा नाइन टू जै सॉरी एटीन अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू लेमडा का स्क्वायर फोर लेमडा स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू ए बी फोर टूजा एट एट टू झा सिक्सटीन लेमडा प्लस फोर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव नाइन लेमडा प्लस फोर लेमडा प्लस फोर लेमडा कितना बनेगा ये सेवनटीन लेमडा स्क्वाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन लेमडा माइनस सिक्सटीन लेमडा कितना बना थर्टी फोर थर्टी फोर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कैंसर यहां पे जीरो बचेगा अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है सेवनटीन लेमडा ब्रैकेट में आएगा लेमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो सेवनटीन लेमडा इक्वल टू जीरो और लैमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो सेवनटीन इसके नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा जीरो अपॉन सेवनटीन वो जीरो हो जाएगा और लैमडा आ जाएगा टू अब हमें पॉइंट निकालना था पॉइंट था हमारा केव केव पॉइंट क्या लिया था हमने ये देखो अगर आपको दिख रहा है इसमें लेमडा की वैल्यू डाल देंगे थ्री लेमडा माइनस टू टू लैमडा माइनस वन और टू लेमडा प्लस थ्री अब एक एक करके पहले जीरो डालो दो पॉइंट निकलेंगे इसमें जीरो डालोगे तो जीरो लैमडा की जगह डालना है ये जीरो हो जाएगा माइनस टू यहाँ जीरो डालोगे माइनस वन और यहाँ जीरो डालोगे तो थ्री अब लैमडा की जगह टू डालो लैमडा की जगह टू डाल थ्री टू जै सिक्स सिक्स माइनस टू फोर टू लैमडा की जगह टू टू जा फोर फोर माइनस वन थ्री और यहाँ टू टू जा फोर फोर प्लस थ्री सेवन ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है शो दी द्वाइंट हुज पोजिशन वैक्टर आर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर देखो क्या है क्वेश्चन ये तीन पॉइंट मान लो ए है ये बी है ये सी है हमें क्या करना है ये ए पॉइंट दिया हुआ है, इसका पोजिशन वैक्टर और बी पॉइंट दिया हुआ आई प्लस टू जे प्लस थ्री के है. और सी पॉइंट है सेवन आई प्लस नाइन जे कैप हमें इन तीनों पॉइंट्स को क्वीनियर शो करना है कुलनियर शो करने के लिए तो बड़े मेथड है लेकिन हम इसको थ्री की फॉर्म में शो करेंगे देखो आपने क्या करना है ये दो पॉइंट दिख रहे हैं पहले इन दोनों पॉइंट से ना ए बी की इक्वेशन निकालो ठीक है निकाल दी फिर तीसरा पॉइंट जो है ना वो उसमें डाल के उसको सेटिस्फाइड करना है ये मैं आपको सब बताता हूं कैसे करना है देखो टू पॉइंट है हमारे पास तो टू पॉइंट की इक्वेशन ये होती है ये कल पढ़ी थी हमने आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर तो ये हो गया ए वैक्टर और ये हो गया बी वैक्टर सिर्फ आपको यहां वैल्यूज डालनी है तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या बोला मैंने आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर देखो ए वैक्टर की वैल्यू ये दी है माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर दोनों को माइनस करो आई माइनस करना है आई प्लस हो जाएगा आई प्लस टू आई थ्री आई टू जे माइनस थ्री जे माइनस जे थ्री के यहां पे के है ही नहीं तो सिंपल थ्री के आ गया यह निकलगी ए बी की वैल्यू अब आपने क्या करना है ये जो तीसरा पॉइंट है ना यह आपने आर की जगह लिखना है आर को आपने लिखना है सेवन आई प्लस नाइन जे अब यहां से ना देखो आगे क्या होगा सेवन आई प्लस नाइन जे देखो इन दोनों में ना आई कॉमन निकाल रहा हूं मैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस टू और ये लैमडा इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा थ्री लैमडा तो बाहर आ गया आई फिर इन दोनों में जे कॉमन बाहर जे लिख दिया यहां बचेगा थ्री और इससे मल्टीप्लाई करो माइनस लेमडा और फिर लैमडा इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा क्योंकि यहां पे के है ही नहीं तो सिंपल एक ही टर्म आएगी थ्री लेमडा के यहां तक समझ आ गई अब आपने क्या करना है यहां पे ना कंपेयर करके लैमडा की वैल्यू निकालनी है पहले इसको इससे करना है आई का आई के साथ करना है फिर जे का जे के साथ कोफिशियंट कंपेयर करना है और फिर के का अब यहां पे के आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां पे जीरो के लिख दो प्लस जीरो के कैप ठीक है अगर तीनों की आंसर लेमडा की वैल्यू सेम आ गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ये क्या है कुलनियर है ठीक है तो कंपेयर करो आई का आई के साथ सेवन इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री लेमडा फिर जे का जे के साथ जे का कोपिशन नाइन और यहां पर थ्री माइनस लेमडा फिर के को के के साथ यहां पे जीरो और यहां पे थ्री लेमडा ठीक है यहां तक आ हाँ गया यहां पे ना थोड़ी सी एक छोटी सी गलती हो गई है मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार दिया ये ना के कैप है यहां ठीक करना ये के कैप था ठीक है तो अब हमें जीरो जे चाहिए ना तो यहां पे प्लस जीरो जे कैप हो जाएगा तो जे का जे का कोफिशंट जीरो मतलब यहां जीरो आ जाएगा और के का नाइन बस थोड़ी सी ये गलती ठीक कर लेना अब आप नहीं देखना अगर तीनों से लेमडा की वैल्यू सेम आ गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है ठीक है इसको टू को इधर लाओ सेवन इक्वल टू थ्री लैमडा लैमडा इक्वल टू थ्री ये लैमडा इधर देखो दोबारा थ्री आ गया और ये इससे कटेगा यहां पे भी लैमडा थ्री आ गया तीनों का आंसर सेम आ गया तो हम यहां पर क्या लिखेंगे दे फोर दे गिव द सेम वैल्यू दे गिव द सेम वैल्यू ऑफ लैमडा तो हेंस ए गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंप्लीट अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दिया हुआ है फाइंड द कार्टिशन इक्वेशन कार्टीशन एंड वेक्टर इक्वेशन कार्टिशन इक्वेशन ये होती है पहले पढ़ लो एक बार ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है और इसके पैडलर है देखो कार्टिशन इक्वेशन ये होती है एक पॉइंट वाली ये हमेशा याद रखना वन पॉइंट वाली होती है ठीक है और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर तो सबसे पहले क्या करो देखो पहले ना इसको इस इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा मेरी बात समझ रहे हो क्योंकि यहां देखो माइनस है यहां x का काफिशंट प्लस वन है तो इसमें क्या करो माइनस कॉमन निकालो और ये माइनस इसके नीचे ले जाओ ठीक है देखो इस फॉर्म में बन गई अब वाइप ये तो बनी हुई है इसको सेम वैसे ही रहने दो इसको नहीं चेंज करने की जरूरत और इसमें देखो टू कॉमन निकालना पड़ेगा आपको है ना क्योंकि z का कॉफिशेंट वन है तो टू कॉमन निकालोगे जेड माइनस थ्री अप यहां पहले यहां लिखना है z माइनस थ्री अपॉन थ्री अब क्या करो ये टू ना इसके नीचे ले जाओ समझ आए ये स्टेप क्योंकि उल्टा करेंगे वापस वही आएगा अब क्या करो ये टू हटाना है मेरे को मैं तीनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है टू से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इसको टू से करेंगे ये टू हो जाएगा इसको टू से करेंगे तो ये फोर्टीन हो जाएगा और इसको टू से करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा अब आप देखो एक्स वन यहां से कंपेयर करो माइनस एक्स वन नहीं, नहीं, नहीं एक से रुक जाओ यहां तक आ गया अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है सीधा कार्टिशन इक्वेशन निकालो कार्टिशन इक्वेशन कार्टिशन इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी ये लाइन ये ये देखो जिस पॉइंट से ये पास करती है उसको x1 y1 z1 कहते हैं तो ये हो गया x माइनस वन वाई माइनस टू और z माइनस थ्री अब क्वेश्चन अराइज होता है abc क्या होगा देखो ये यहां पे देखो क्या लिखा है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है मतलब कि जैसे इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या A ये है ए है बी है सी है तो आपने ए की जगह माइनस टू बी की जगह फोर्टीन और सी की जगह थ्री ठीक है हमेशा याद रखो इफ टू लाइंस आर पैडलर दे आर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी सेम अब इसके बाद आ जाओ वेक्टर फॉर्म निकालनी है वेक्टर फॉर्म होती है आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर अब देखो ए वैक्टर क्या होगा यहां पर जो पॉइंट होता है पॉइंट क्या पॉइंट है वन टू थ्री तो ये बनेगा वन आई वो आई हो गया टू जे थ्री के वन आई आई होता है ठीक है अब बी वेक्टर, बी वेक्टर होता है पैरलर वेक्टर, पैरलर वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ये दी हुई है तो ये बी वेक्टर हो गया माइनस टू आई प्लस फोर्टीन जे प्लस थ्री के तो ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म भी ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है हमारे पास द कार्टिशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर कार्टिशन इक्वेशन दी हुई है फाइंड द फिक्स पॉइंट फिक्स पॉइंट निकालना है मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन निकालना थ्रू विच इट पासिस फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियोस निकालनी है मतलब एबीसी बी निकालनी है और फिर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर ये तीन चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी ठीक है इसको ना पहले रिड्यूस करना पड़ेगा देखो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वन पॉइंट वाली तो हमें इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा तो देखो कैसे करेंगे अब एक चीज नोट करो यहां पे x का कोफिशेंट वन है लेकिन यहां कितना है थ्री तो हमें वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा थ्री कॉमन लेना पड़ेगा ये बनेगा x प्लस वन बाई थ्री अगर आपको नहीं समझ आया थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स थ्री से मल्टीप्लाई करोगे वन बचेगा फिर इन दोनों में सिक्स कॉमन निकालो यहां बचेगा y देखो टू यहां पे कॉमन है तो नीचे कितना बचना चाहिए वन बाई थ्री अगर आपको नहीं समझ आया सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स बाय थ्री टू होता है और यहां पे z का कोफिशन पॉजिटिव है लेकिन यहां क्या नेगेटिव तो माइनस कॉमन z पहले लिख दो और ये यहां पे प्लस वन है तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो माइनस जेड प्लस वन ठीक है अब क्या करना है हमें एबीसी लाना पड़ेगा नीचे तो इसको ना उल्टा कर लो तीनों को उल्टा कर लो देखो क्या मतलब हो गया इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं ये थ्री है मैं यहां पे वन बाय थ्री ले रहा हूं अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया इस थ्री को उल्टा करो थ्री उल्टा करोगे वापिस वही आएगा है ना सेम यहां पर भी इस सिक्स को नीचे ले आओ इसको उल्टा करोगे वापिस वही आएगा इसके नीचे वन लिखो और माइनस को नीचे ले आओ यहां तक समझ आ गई अब क्या करो इसको ना हम उस फॉर्म में बनाएंगे मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करो तीनों का एलसीएम देखो क्या होगा इसका अगर नीचे वन लिखूं थ्री सिक्स वन का एलसीएम होगा सिक्स तो सिक्स से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो देखो तीनों को सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिक्स अपॉन थ्री टू इसको थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सिक्स वन इसको सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स समझ आ गया ये स्टेप ठीक है तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्स वन एक्स वन, वन वाई वन जेड वन अब आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को इससे देखो एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन यहां प्लस एक्स वन है तो मतलब माइनस एक्स वन हो जाएगा वन बाय थ्री तो एक्स वन हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री ठीक है अब आप यहां पे कंपेयर करो यहां पे दोनों जगह माइनस माइनस है तो अब सिंपल वाई वन हो जाएगा वन बाय थ्री फिर जेड वन जेड वन देखो माइनस यहां भी है यहां भी है तो जेड वन आ गया वन तो पॉइंट हो गया हमारे पास माइनस वन बाई थ्री वन बाय थ्री और वन अब नेक्स्ट निकालनी है डायरेक्शन रेशियोस डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी ये एबीसी ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं तो ए है टू बी है वन सी है सिक्स अब इसके बाद क्या रहेगी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर ए वेक्टर होता है पॉइंट और पॉइंट आपके पास दिया हुआ है इनके साथ आई जे के लगा दो माइनस वन बाई थ्री आई वन बाई थ्री जे और ये बनेगा वन के वन के के होता है तो उसको सिंपल के लिख दो और बी वेक्टर होता है पैलर वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन रिश्वत दी ये है बी वेक्टर इनके साथ आई जे के लगा दो टू आई वन जे जे हो जाएगा और माइनस सिक्स के ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट अब इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर इस एक्साइज नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की विच पासिस थ्रू दी पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दी लाइन दिस देखो वेक्टर इक्वेशन अभी हमने पढ़ी ए वेक्टर प्लस लैमटा टाइम्स बी वेक्टर ये जो है ना ये ए वेक्टर पॉइंट होता है और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ए की जगह आपको यह डाल देना है। अब रह गया बी बी क्या होता है डायरेक्शन रेशोस है ना तो हमें इसकी पहले डायरेक्शन रेशूज फाइंड करनी पड़ेगी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इक्वेशन में इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा ठीक है तो एक्स का कोफिशियंट वन है और यहां कितना फाइव तो फाइव कॉमन निकालो इसी तरह y का कॉफिशेंट प्लस वन होना चाहिए तो यहां पे माइनस सेवन कॉमन निकालो ये यहां पे बचेगा y और यहां बचेगा माइनस टू आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो इसको लिखो थर्टी फाइव जेड माइनस जीरो ठीक है ये फाइव नीचे लाओ x माइनस फाइव अपॉन वन बाय फाइव फरव माइनस सेवन को नीचे लाओ ये आएगा वन अपॉन माइनस सेवन वन अपॉन माइनस सेवन और फिर थर्टी फाइव को नीचे लाओ अब आप चेक कर सकते हो अगर आप सबको उल्टा करोगे वापस वही आने वाला है ठीक है अब आप तीनों का एल्सियम देखो फाइव सेवन थर्टी फाइव का एलसीएम क्या होता है अब चेक कर सकते हो थर्टी फाइव आएगा तो थर्टी फाइव से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो थर्टी फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई फाइव से इससे मल्टीप्लाई करो तो सेवन बचेगा थर्टी फाइव को सेवन से करोगे तो थर्टी फाइव अपॉन सेवन माइनस फाइव बचेगा और 35 को इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा वन आएगा सॉरी क्योंकि 35 फाइव 35 थर्टी फाइव हो गया तो डायरेक्शन रेशियोज होगी इसकी सेवन माइनस फाइव और वन सेवन माइनस फाइव वन अब इक्वेशन निकाल लो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर ए वैक्टर होता है पॉइंट और पॉइंट दिया हुआ है इनके साथ आई जे के लगा दो वन आई वन आई आई होता है टू जे माइनस वन के वन के हो जाएगा प्लस लैमडा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियोज मतलब पैरलर वेक्टर, तो ये पैरलर वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है सेवन आई माइनस फाइव जे और वन के वो के हो जाएगा तो ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट